नमस्कार, आप देख रहे हैं republichindi.com और मैं हूं अरुण तिवारी। और मैं वंदना उपाध्याय। इतिहास गवाह है आज की तारीख। आज की तारीख वह तारीख है जिसे पूरी दुनिया कभी नहीं भूलेगी। और वो क्यों, आपको याद दिला दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जिनका जन्म 1863 में कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी जी के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी जी के जीवन के कई पहलू थे जो उन्हें महान बनाते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि अगर आपको भारत को जानना है तो विवेकानंद जी को ही देख लीजिए। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्म संसद में विवेकानंद सबसे महान व्यक्तित्व हैं। विश्व भर में जब भारत को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, ऐसे में स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म पर प्रभावी भाषण देकर दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म का डंका बजाया। विश्व धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने अपना संबोधन मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से प्रारंभ किया, तब काफी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America. प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्वामी जी प्रेरक वक्ता भी थे। स्वामी जी के विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए जानते हैं स्वामी जी के वे विचार जो आज भी युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हिंदी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें republichindi.com।